नजरों में गिर चुके हो माधव, और एक लड़की को हमेशा उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे प्यार वो भले ही थोड़ा कम करती हो पर इसे कहीं ज्यादा करती हो। इनफैक्ट दुख की बात तो ये है कि एक लड़की को प्यार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी लव मैरिज में सिर्फ एक लड़की और लड़की के पेरेंट्स को ही सहना पड़ता। मैंने सुना था शादी प्यार को एक मुकाम देने के लिए होती, एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए होती, बकवास, सब बकवास। मुझे प्यार करने का सिला मिल गया है। प्लीज रश्मि। सॉरी माता। रश्मि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रश्मि प्लीज डोंट गो। जो यहाँ पर मेरा और मेरे माँ बाबा का अपमान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस शादी को तोड़ने में जिस जिस का भी योगदान है, आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आपने आज ये साबित कर दिया कि एक लड़की का जन्म लेना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लड़की के लिए शायद का, पर उसके माँ बाबा के लिए बहुत ज्यादा। और आप, आपकी वाहवाही में तो मैं ताली बजाना चाहूंगी मिसेस शुक्ला। बेटे के लिए जो गुरूर है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत आप अपनी ही औरत जात से करती हैं। एक बेटी की भावनाओं को समझने के लायक नहीं है। और ये खूबी आपके खून में है। अभी तो आप किसी भी बेटी को जन्म देने के काबिल ही नहीं है। रश्मि इसीलिए ना तो कभी आपके यहां पर बेटी हुई है और ना कभी होगी। रश्मि, 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 रश्मि मत जाओ। चलो दुल्हन, गुड्डन बिट्टन।
ना अटल ही। बम बम भोले बाबा की जय। शुक्लाइन मिठाई बांट पूरे मोहल्ले में। अरे तेरा बेटा वनवास से वापस आ गया। कौन सी आंसू वांसू? माफ करिएगा शुक्ला जी, आपकी परवरिश में कमी रह गई। और हद तो इस बात की हो गई, बरखुदार मुंह में मछली दबाए बैठे थे। आपका अबीर भी खड़ा था बगल में।